तुमने बहुत अच्छा किया कि इसे यहाँ ले आई। अरे अर्शी, तुम्हारे बाल तो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन ये कस के चोटी किसने बना दी है? मेरी मम्मा ने। लेकिन इस तरह तो तुम्हारे बाल कमजोर हो जाएंगे, उनसे कहना कि आइंदा पोनी बना दे। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में। ओह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दारिया मैडम, खुश आमदीद। अगर तुम फ्री हो तो तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल फ्री हूँ मैं। आ जाओ, बाहर चलें। बैठिए बैठिए, खड़ी क्यों है? क्या कोई बहुत अहम बात है जो आप यहाँ तक आए? ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, बस दुरूक के बारे में तुम्हें खबर देनी है। कहना क्या चाह रही हैं? अरे भाई, हमारा दुरूक शादी कर रहा है। ये नामुमकिन है दारिया मैडम, मैं और दुरुक एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ठीक कह रही हो, मुझे पता है इस बात का कि तुम दुरुक से मोहब्बत करती हो। मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत हो तब। क्या मतलब? सबकी हयात जैसी किस्मत नहीं होती। दुरुक पर कुछ जिम्मेदारियां हैं तो वो अपना मुस्तकबिल देखकर शादी करेगा, क्योंकि कुछ दिनों में हर चीज बदल जाएगी। आप बस मुझे ये बता दें कि आप चाहती क्या हैं दारिया मैडम। छोड़ दो उसका पीछा, यही चाहती हूँ, क्योंकि तुम दुरूक के काबिल नहीं हो। ओह अच्छा, तो ये चाहती हैं मुझसे आप। क्या मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिल सकता जिससे मैं साबित कर सकूं कि मैं काबिल हूँ दुरूक के? उसके काबिल ही नहीं हो तो मौका लेकर क्या करोगी? तो ठीक है, बस ये बता दो कि दुरुक को छोड़ने की कीमत क्या लोगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दारिया मैडम? हाँ, किसी की मोहब्बत को पैसों में कैसे तोल सकती हैं? दुरुक को नहीं छोड़ूंगी, सुन ले आप, मैं प्यार करती हूँ। एक माँ होने के नाते वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, बाद में क्या हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं है, तुम्हें समझी? और फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुराद साहब, आप अचानक, आप लोगों को खबर मिल गई क्या? खबर? कैसी खबर? अरे मुराद, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए बेटा? क्या हो गया दादी जान, या औरिया क्या कह रही है? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ गजल की कैद में थी, गजल ने उन्हें अगवा करके अपने पास रख लिया था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? घबराओ नहीं, अब वो ठीक है। दरअसल लैला वहाँ बीमार हो गई थी तो गजल उसे रोड पे छोड़कर चली गई, हमें हॉस्पिटल वालों ने इत्तला दी। ये सब मेरी वजह से हुआ, और मैं इतना बेखबर कैसे रहा? जो होना था वो हो गया। मुझे उन्हें यूं नहीं भेजना चाहिए था, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, आखिर मैंने उन्हें भेजा ही क्यों? बेटा तुम अपने आप को क्यों कसूरवार समझते हो, वो बिल्कुल ठीक है, ऊपर आराम कर रही है। या अल्लाह। अम्मी, मेरा बेटा। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे आपको नहीं भेजना चाहिए था, आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। बेटा मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बेटा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अब तो आप ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी भूख लगी है मुझे। ठीक है, मैं औरिया से कह देता हूँ, वो कुछ बना देगी। वैसे क्या खाएंगी आप? आलू का शोरबा और उबले हुए चावल। जब तुम छोटे थे तो मैं यही खाती थी। क्या? गुस्सा मत करना, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मतलब आपको याद है सब कुछ? आपने मेरे पास आने के लिए झूठ बोला अम्मी? ये सब आपने इसलिए किया कि मैं आपको माफ कर दूं? चाहे मुझ पर गुस्सा हो या नफरत करो, ये तुम्हारा हक है। मैं जानती हूँ मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारा एक भाई है, वो इज्मत में रहता है, बहुत दिनों से उससे मेरी कोई बात नहीं हुई,
उसे ढूंढ दो प्लीज बेटा, और अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम ख्याल रखना, भाई है तुम्हारा। मेरे बारे में तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा। क्योंकि वो तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है, वो अकेला नहीं संभल सकता। आपको कभी मेरी परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे है। ठीक है, ढूंढता हूं मैं उसको। आओ बेटा, मिलाए अपनी माँ से, यहाँ बैठो। शुक्रिया। अब कैसी है तुम्हारी माँ बेटा? हाँ, उन्हें याद है सब कुछ। मेरे बचपन की एक एक बात याद है उनको। मुझे लगा, कितनी बार मुझे लगा कि मेरी माँ को सब कुछ याद है। अच्छा, तो उसने क्या कहा तुमसे? वो चाहती है मैं उसे ढूंढूं, उनके दूसरे बेटे को। दूसरा बेटा? ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हयात कहाँ है? हयात अभी अभी बाहर गई है ऑफिस जाने के लिए, शायद वो वहां अपना फोन भूल गई थी। मैंने तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा था, मगर वो कह रही थी कि वो चली जाएगी। ठीक है ठीक है, मैं भी वहीं जाता हूँ। ओके दादी जान। ठीक है बेटा। यहाँ देखो और मेरी बात सुनो, ये रखो और हमसे दूर रहो तुम। तो इसका मतलब तुमने दोबारा इनकार कर दिया? और क्या, इनकार ही है। समझते क्यों नहीं हो तुम? तुम क्या चाहती हो कि मुराद को सब कुछ सच मालूम हो जाए? हाँ, मुराद को सच मालूम होने का अंजाम जानती हो? अच्छी तरह जानती हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं अपने शौहर से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। हर एक शख्स अपने अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है, और मुराद भी है, और मैं हर हाल में उसका साथ दूंगी। और जब हम साथ होते हैं तो हर चीज का मुकाबला कर लेते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हारी इस मोहब्बत की शिद्दत को देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश कि इस मोहब्बत का थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी मिल जाता। हयात, ये वो चीज है जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, तो तुम्हारी आंखों में आंसू ही बेहतर है। कैसी आवाज? क्या, कैसी आवाज? सेलफोन की वाइब्रेशन लग रही है, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही। मुझे तुम्हारे बगैर बहुत डर लगता है। या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बोलो। मुनासिब नहीं है ये वक्त, क्या हम घर चले पहले? लेकिन कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मुझे बताना जरूर।
कोई रास्ता है तुम्हारे पास एमरे को यहाँ से निकालने का? अगर होता तो मैं नहीं अपनाती, लेकिन अब रास्ता ढूंढना होगा। अब उसके हाथ बहुत खतरनाक चीज लग गई है। क्या चीज लगी है बताओ मुझे, क्या खतरनाक चीज है वो? आ गई आप दोनों की कॉफी, ये रही मिस टूल आपकी शुगर वाली कॉफी। मुझे ज्यादा शुगर पसंद नहीं है। और मुझे मेरी बहन का तो पता है कि वो कैसी कॉफी पीती है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जॉब लगी है मेरी यहाँ। लेकिन कैसे? ओहो ये क्या हो गया, एकदम पागल हो तुम टूअल, पता नहीं कैसे कैसे काम करती हो। मैं आती हूँ अभी टिश्यू लेकर। अरे मिस टूअल आप कहाँ जा रही हैं? मैं टिश्यू लेकर आता हूँ, आप यहाँ आ जाएं। चली गई। जॉब के बारे में बताइए। जॉब बहुत आराम वाली है, थर्ड फ्लोर पर यहाँ का कॉफी शॉप है ना, उसका पूरा चार्ज तुम्हारे भाई को दे दिया है, मैं संभाल रहा हूँ उसे, क्योंकि मैं अब अपने बेटे को अपने से ज्यादा दूर नहीं रख सकता। कौन सा बेटा? वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। हयात, तुम फूफी बन गई हो, तुम्हारा एक भतीजा है। इन दो दिनों में, सिर्फ दो दिन बाहर रही और यहाँ क्या क्या हो गया? ये दो दिन में नहीं हुआ, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले घर ढूंढ लूं। तो हमारे घर में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन अम्मी ने मुझे उस घर से निकाल दिया है जब से मेरे बेटे का सुना है। अम्मी कैसे निकाल सकती हैं? उन्हें तो बच्चों से मोहब्बत है और वो चाहती थी कि पोता घर में आए। मैंने उनसे ये बात छुपाई थी ना, इसलिए। हाँ अगर तुम जाकर उनसे बात करोगी तो मुझे पता है वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगी। आप फिक्र मत करें, मैं बात करूंगी उनसे। फूफी बन गई हूँ मैं, इतना तो कर सकती हूँ मैं। काश बहन की बात सुनकर मेरी अम्मी भी इतना ही खुश हो, जिसकी उम्मीद नहीं है मुझे। ठीक है, परेशान ना हो, इस बात की जितनी खुशी मुझे है अम्मी को भी होगी, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो मेरे समझाने पर जरूर मान जाएंगी। हाँ तुम उन्हें मना लोगी ना? और क्या, आखिर आप भाई हैं मेरे, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? बस आज मैं अपने कुछ मसले निपटा लूं, मैं कल बात कर लूंगी और आपका काम हो जाएगा। कैसे मसले? हाँ मुराद का मसला है, अभी तो सिर्फ दो दिन हुए हैं, किया क्या है उसने, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। नहीं मुराद ने तो कुछ भी नहीं किया। ओह तो वो एमरे प्रॉब्लम है, कल बाहर मैंने उसकी नाक पर टक्कर मारी है। हाँ वो आदमी इसी काबिल है, और अगर उसने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे बताओ, तुम देखना तुम्हारे सामने उसे पांचवी मंजिल से नीचे फेंकूंगा मैं। प्लीज 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 भाई, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा, आपकी मदद चाहिए होगी तो मैं खुद बोल दूंगी, अभी मैं संभाल लूंगी। यकीन से कह रही हो ना? लेकिन आज की रात आप कहाँ गुजारेंगे? अरे मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम मेरे बारे में सोच रही हो, अपने भाई के लिए फिक्रमंद हो? या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बहन को मेरी परवाह है, बस अब मेरी बहन मेरे साथ है, मुझे किसी की भी परवाह नहीं, अब तो मैं फुटपाथ पर भी सो सकता हूँ। आ जाओ मेरी बहन, मेरे घरे लग जाओ, आ जाओ मेरी प्यारी बहन। तुम मेरे बेटे को छोड़ने की क्या कीमत लोगी? ये ऑफर दी है उन्होंने? ये सारी बातें उन्होंने मेरे मुंह पे कही है यार, आखिर उन्होंने सोच कैसे लिया कि मैं उनकी बेहुदा ऑफर कबूल कर सकती हूँ। हाँ मेरी दोस्त, वो औरत तुम्हारे बारे में क्या सोचती है समझ नहीं आ रहा। उनकी नजर में एक मामूली नर्स हूँ और एक गरीब किसान की बेटी, बस यही वजह है कि उनके अमीर बेटे की काबिल नहीं मैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुरुक की बेहतरी चाहती हो तो उससे दूर हो जाओ हमेशा के लिए। थू, अरे लानत हो उस औरत पर, तुझे चाहिए था वही उस औरत को उसकी औकात याद दिला देती। बहुत एहसास दिलाने की कोशिश की, ये तक कहा कि उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं। हमने वादा किया है एक दूसरे से कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। कह दिया सब कुछ जो कुछ मेरे दिल में था। वाह बेटा वाह वाह वाह। लेकिन ये बताओ तुम में ये सब बोलने की हिम्मत आई कहाँ से? वैसे ये डायलॉग तो बहुत अच्छे हैं, किस फिल्म के हैं, किसने लिखे हैं? अरे अम्मी आंटी ये आपको डायलॉग लग रहे हैं? ये तो मेरे दिल की आवाज़ है, इससे पहले कि ये आवाज़ मेरे दिल में रह जाए मुझे कुछ करना होगा। यकीनन मैं जा रही हूँ दुरुक से मिलने के लिए, बाय बाय। ये बीना कैसी पागल है, कहाँ गई ये? अपने आशिक से मिलने। आपकी टेंशन दूर हो गई? मैं दुआ करती हूँ कि अब आपको कोई टेंशन ना हो। हाँ
वो मैंने अब टेंशन लेना छोड़ दी है। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं टेंशन लेती हूँ तो मेरी हालत बिगड़ जाती है। छोड़ दिया। फलियां बनाई हैं मैंने, खा लीजिए इन्हें। तू भी खा ले मेरे साथ, आ जा इधर। बहुत शुक्रिया आपा, मुझे अभी भूख नहीं है, लिहाजा आप अकेले खा लीजिए। मेरा मंगेतर पैसे लेने गया था, क्या वो नहीं लाया? देखिए आप लोग प्लीज वो घर किसी और को मत दीजिएगा, हमें बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप। हाँ ठीक है, मैं अपने मंगेतर को कॉल करती हूँ और आपको डेट बताती हूँ। करीम तुम तो मेरा दिमाग खराब कर दोगे बिल्कुल, आखिर पेमेंट लेके ये पहुंचा क्यों नहीं अभी तक? किससे बातों में लगा हुआ है? कैसे नहीं आए पैसे? आपने तो कहा था कि हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं ये बताएं। क्या अभी तक क्लियरेंस नहीं हुई? उफ या अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी जी मैं समझ गया, मेरे अकाउंट में अभी तक कोई पैसा नहीं आया। अच्छा वो कोई और रास्ता निकल सकता है इस अदायगी का? ठीक है मैं समझ गया, करता हूं कुछ। ओके खुदा हाफिज। एपिक का फोन? क्यों फोन कर रही है वो? हो सकता है कि मालिक मकान ने उसे फोन कर दिया हो। अब क्या कहूंगा उसे, और अगर जवाब नहीं दिया तो गुस्से होगी। बंद हो गया, या अल्लाह शुक्र है बंद हो गया। मैं उसे कह दूंगा कि मैं काम में बिजी था, इस वजह से उसका फोन नहीं उठा पाया, ये सही रहेगा। औरिया तुम मुझे ये बताओ कि ऊपर मुराद अपने कमरे में है? पता नहीं, आपको कुछ चाहिए? आपकी कॉफी का टाइम हो गया है। हाँ मुराद, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने सुना नहीं, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, कुछ बताना है तुम्हें। हाँ यहां से शुरू कर सकती हो तुम। मगर यह है क्या? आखिर ऐसा क्यों किया तुमने हयात? हाँ बोलो। मुराद आराम से मेरी बात सुनो, इससे पहले मैंने ये बॉक्स कभी नहीं देखा और मुझे नहीं पता इसमें क्या है। और कितने राजों से पर्दा उठना बाकी है हयात? हाँ बहरहाल मुझे इससे क्या, लेकिन हाँ तुमने ड्रामा बहुत अच्छा किया, वाह। अब वो झूठ बताओ जो तुमने मुझसे बोला है, जल्दी बताओ। उसी झूठ की वजह से तुम आते हुए सारे रास्ते टेंशन में थी, सच है बोलो। हयात मुझे बताती क्यों नहीं कहां से आया ये? अब ऐसे मुझे क्या देख रही हो? हयात बताओ मुझे, ताकि मुझे सच का पता चल सके। सच सच बताओगी या उसके लिए भी कोई झूठी कहानी सोच रही हो मुझे सुनाने के लिए? कहानियां तो बहुत है। यस दारिया मैडम, नाश्ते के बर्तन ले जाऊं? औरिया तुम इस घर में सारा दिन रहती हो, क्या चल रहा है ऊपर? मुराद बॉक्स की वजह से गुस्सा है? पता नहीं, झगड़े की वजह तो वही है दोनों में। तारिया मैडम आपको उसके बारे में कैसे पता? अरे तुम्हें इससे क्या और मेरा उससे लेना देना क्या? तुम अब जवाब मांगोगी मुझसे? बेवकूफ जाओ अपना काम करो। मुझसे पूछ रही है, हिम्मत तो देखो जरा। बेवकूफ होगी खुद, अपने आप को समझती क्या है? जरूर ये बॉक्स इसने ही रखा होगा और गुस्सा कर रही है मुझ पर। जब भी अपने घर पे चोरी करवा सकती है तो कुछ भी कर सकती है, खुदा बचाए ऐसी औरत से। तो अब तक तो कोई कहानी बना ली होगी तुमने, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? हाँ या बताना नहीं चाहती? हाँ पहले तुम रिलैक्स हो जाओ,
अरे 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 कहाँ जा रही हो तुम? मुझे सच बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। इस वक्त मेरा सच भी झूठ लगेगा। रुको रुको रुको, पहले बताओ। हाथ छोड़ पहले। आराम से बात करो। पहले तुम आराम से बात करो, फिर बताऊंगी। नहीं करूंगा आराम से। मुझे सच बताए बगैर तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, ये याद रखो। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है। कितनी बार बोला है, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार हो तब ना? हाँ, तुम्हें अम्मी की बीमारी का पता था ना? या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं पागल हो जाऊंगी। मुराद तुम ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचते मैं सिर्फ तुम्हारी हयात हूँ? आंखें मत चुराओ मुझसे। ओ, तो इसीलिए तुम वहां से जल्दी लौटने की जिद कर रही थी। तुम्हें ये कैसे पता चला? हद होती है, इस वक्त तुमसे बात करना बेकार है। मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, समझे तुम? जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तब तक मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, समझे? हयात, मेरी बात सुनो। हयात, 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 मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन तुम जा कर रही हो। मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे क्या? तुम मेरी बीवी हो, समझी? तुम मुझे बताए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। कैसे रोकोगे मुझे? हाँ, तो क्या तुम मुझे अपने पास बांध के रखोगे? हाँ मुराद, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, वरना ये बात बहुत बिगड़ जाएगी। अच्छा सुनो, हम आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तुम कहीं नहीं जा रही। ओके, क्या हो रहा है यहाँ? इस वक्त तुम गुस्से में हो, मेरी कोई बात नहीं समझोगे। कोई बताएगा क्या हो रहा है? क्यों चीख चीख के तुम लोगों ने सारा घर सर पे उठा लिया है? कुछ नहीं दादी जान, बस ऐसे। क्या तुम्हें नहीं पता कि अंदर तुम्हारी माँ बीमार है? आराम से बैठ के बात नहीं कर सकते तुम लोग? तुम्हारा जो भी मसला है मिल बैठ के हल करो इसको। मैं ऊपर जा रहा हूँ अम्मी को देखने, मेरे आने तक तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझे बात करनी है तुमसे। हयात बेटा, कोट उतारो और बैठ जाओ। यार असली, ये तो ठंड की वजह से बिल्कुल जम चुकी है। जरा तुम बता सकती हो कि हम समंदर के किनारे क्यों बैठे हैं? जरूरी बात करनी है तुमसे। बात ही कुछ ऐसी है माय लव। और सुन लो, इस बात का ताल्लुक भी तुम्हारी अम्मी से है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बताऊं दुरुख? फिर से अम्मी? तो इसका मतलब तुम भी नहीं सुनोगे अपनी अम्मी की तरह मेरी बात? अरे सुनूंगा, बताओ तो सही उन्होंने क्या कहा है। तुम्हें पता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि दुरुख की शादी का फैसला कर चुकी हूँ, लड़की भी ढूंढ चुकी है वो। मेरी प्यारी असली, मैंने कोई फैसला नहीं किया अभी शादी करने का। फैसला नहीं किया? वाकई नहीं किया? हम बहुत छोटे हैं अभी तो यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सोच लिया शादी का? नहीं तो मैं क्यों सोचूंगी भला, और वैसे भी फर्क ही क्या पड़ता है शादी कभी भी हो। दरअसल हकीकत यह है कि जल्दी शादी करने के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लाइफ भी तो एंजॉय करनी है ना। तुम्हारी इन्हीं प्यारी बातों की वजह से तुमसे मोहब्बत है असली, तुम बिल्कुल अलग हो यार। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं दूसरों से बिल्कुल अलग हूँ दुरुख। अब उठो भी यार, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, बहुत भूख लग रही है यार, अब तो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो चलते हैं। मेरा इंतजार कर रहे हो पागलों की तरह? मैं क्यों करूंगा तुम्हारा इंतजार, मैं तो लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूं। तो लीजिए, लेकिन ये लिफ्ट तो कब से यहीं खड़ी है। अच्छा लेकिन मैंने तो दबाया था इसे। कल रात वाला सीन भूल जाना प्लीज। कल रात? क्या हुआ था कल रात? शाबाश, ऐसे ही।
पागल हो गई है। कल रात का सीन भी भूलने वाला है। अरे हो सकता है लिफ्ट में कोई मसला हो क्या? चल जाएगी ये चल क्यों नहीं रही? मुझे भी अंधेरा और बंद जगह पसंद नहीं है अपनी बहन की तरह। तुम्हें पता है बचपन में हम दोनों बहन भाई बहुत झूला झूलते थे एक साथ। हाँ। और मैं हयात को बहुत तेज तेज झुलाता था और वो कभी कभी झूले से गिर जाती थी और फिर मैं झूलता था और अगर मैं झूलते हुए गिर जाता था हयात मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी। बस बहुत हुआ और बकवास नहीं, ये लिफ्ट क्यों नहीं चल रही? लिफ्ट जल्दी से ये लिफ्ट खुलवा दो, मेरा दम घुट रहा है। सांस नहीं आ रही है मुझे। हाँ सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, गला दबा रहा है कोई मेरा, सांस नहीं आ रही। हौसला रखो हौसला रखो, चल जाएगी अभी। आज नहीं बचूंगा मैं, नहीं बचूंगा आज। आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। ताजा हवा चाहिए मुझे, ताजा हवा चाहिए, ताजा हवा। ठीक है तुम रिलैक्स हो जाओ। उठाएं बाबा फोन, उठाएं। वो नहीं उठाएंगे। नहीं उठा रहे वो फोन, उठाएंगे भी क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि वो किस तरह की चाले चलते हैं? करीम तुमने क्यों दिए पैसे? तुम फिर से भरोसा कैसे कर सकते हो? हाँ क्या तुम भूल गए हो कि पहले भी वो हमसे पैसे लेकर भाग गए थे? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? वो वापस नहीं आएंगे मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा को उस कंडीशन में कैसे छोड़ सकता था? मेरा ख्याल था मुझे लोन मिल जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें मना किया था करीम, मैंने तुमसे कहा था कि अब तुम बाबा को पैसे नहीं दोगे कभी। अरे लड़की क्या हो गया है, क्यों उसका गला दबा रही है? अरे एमएनए आंटी कुछ दिन पहले ही तो मंगनी हुई है हमारी, तो मुझे हक है कि मैं मोहब्बत जता सकती हूँ करीम पर। अरे इसके मौके तुझे बहुत मिलेंगे शादी के बाद। अच्छा ये बताइए किसी काम में मदद चाहिए? नहीं तो तुम बैठो, दोनों खाना शुरू करो, मैं और लेकर आती हूँ जल्दी। बात सुनो मेरी, जो होना था हो गया, देखो हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है हमारी। यार करीम अब बस भी करो, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तुम यकीन करो जब तुम ऐसे देखते हो तो तुम्हारी मूछें बहुत बुरी लगती हैं। रिलैक्स। और ये भी लो फलियां। मेरी प्यारी एमने आंटी, क्या किचन में कुछ हुआ है जो आप ऐसे आ गई? जहां तक मुझे याद है आप किचन में हंसती हुई गई थी, तो आप रोते हुए क्यों आई हैं वापस? ये वो फलियां हैं जिसे किसी ने बहुत प्यार से पकाया था। मैं समझा नहीं। एमने आंटी क्या आपका किचन में कैबिनेट से सर टकरा गया है? और डिशेस तो रख दें प्लीज, कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ? बस आप मुझे बता दें कि दवाई कहां रखी है, मैं फौरन लेकर आती हूं आपके लिए। देखो इन फलियों को देखो, फरीदे ने पकाई है, पता चल रहा है कि कितने प्यार से पकाई है। मुझे मालूम है कि इन फलियों में उसने अपना प्यार भी डाला होगा, बहुत अच्छे फ्राई करके बनाई है उसने। इन फलियों में उसका प्यार टपक रहा है, मुझे पता है वो मेरे लिए बहुत प्यार से हमेशा फलियां बनाती है। क्या आम नहीं खा सकती है? ये फलियां वो मेरे लिए खास तौर पे बनाती है, मैंने कब कहा तुम नहीं खा सकते? आज मैंने उसका दिल तोड़ा है, दुख पहुंचाया है उसको, अल्लाह मेरी जुबान काट दे, गारत कर दे मुझको। अरे ये आप क्या कह रही हैं आपा, मत कहें ऐसा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरी फरीदे मैंने भी अब तक नहीं खाई है, उतरी ही नहीं मेरे हलक से।
पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था फरीदे, तुझे वो सब कैसे कह दिया? वो सब कहने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आखिर वो अल्फाज मेरी जुबान से निकले ही कैसे? ये पकड़ो और पीछे हटो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपा, कुछ नहीं हुआ है। फरीदे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। जी जी ठीक है, मैं समझ गया। सही कहते हैं आप, वो अब तक वहां नहीं होंगे। ये तो सही कह रहे हैं आप, वो किसी ना किसी से रابطے में तो होंगे। ओके ठीक है, अगर कुछ मजीद पता चले तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ बेटा, गजल की कोई खबर मिली? नहीं, वो फरार हो गए वहां से। मैंने अपनी माँ को कैसे उस लड़की के रहमो करम पे छोड़ दिया। शुक्र अदा करो बेटा, उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मुराद, हयात के साथ क्या मसला हो गया है दोबारा? हनीमून पे जाते हुए तो तुम लोग बहुत खुश थे, अब क्या हुआ? बात बड़ी है भी और नहीं भी, उसने यहाँ आने के लिए झूठ बोला। हेलो, क्या हुआ हयात, क्या तुमने फैसला बदल लिया? जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी खबर सुनाओ। अब तुम्हारे लिए हर खबर पूरी होगी। अरे हयात, तुम जैसी लड़की को जेब नहीं देता ऐसी उल्टी बातें करना। तुमने ये बॉक्स मेरे कमरे में कैसे पहुँचाया, बस इतना बताओ, ये सब कैसे किया और क्यों? काश मैं अपने हाथों से देता ये तुम्हें। हमेशा याद रखना, खुदा की लाठी बे आवाज होती है। तुम हमें हमारी जिंदगी सुकून से क्यों नहीं जीने देते, आखिर चाहते क्या हो तुम? सुनो, कहते हैं मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, ये बिल्कुल सच है। हाँ, कम से कम इज्जत तो मिल सकती है तुम्हें इस तरह से, है ना? तुम्हारी दी हुई इज्जत नहीं चाहिए, क्यों नहीं समझते? किससे बात कर रही थी तुम? वो फोन दिखाओ मुझे। अब तोहफा कबूल कर लो ना, सारी बात तो सामने आ चुकी है, छुपाना कैसा? कहां जा रही हो हयात, कहां जा रही हो तुम? अब तुम छुप क्यों रही हो? क्यों छुप रही हो मुझसे? ताकि तुम्हें मेरा सामना ना करना पड़े? तुम चाहती तो सब मुझे बता देती, लेकिन तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। या अल्लाह मेरी मदद कर, कैसे समझाऊं इसे अपनी बात? हयात, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब दो मुझे। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जरूर है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही। ठीक है, बाहर तो आओगी ना, सारी रात अंदर तो नहीं बैठोगी ना? ये क्यों नहीं समझ रहा कि मैं इसे नहीं बता सकती? दुख पहुंचेगा इसे,